साउंड जा रहा है? बताएंगे कोई व्यक्ति, साउंड जा रहा है? आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मैथ का जो सब क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, और लगभग क्वेश्चन मुझे जहां तक कि याद है कि आपको क्लास में लगभग उसी पैटर्न पे ही आपको करवाया गया था, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न रहा, तो लगभग आपका जो है क्वेश्चन आपके क्लासरूम में करवाया गया था, मैथ के सारे क्वेश्चन आपके रूम में करवाए गए थे, ठीक है? तो निश्चित रूप से आपको जब एग्जाम में बैठे होंगे तो फायदा मिला होगा आप लोगों को। जो भी लोग हैं, थोड़ा सा टाइम से आज एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था इंटरनेट का, इस कारण से थोड़ा सा मैंने 8 बजे बोला था आप लोग को कि मैं लाइव आऊंगा, इसीलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का डिले हुआ, ठीक है? चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आज का जो मेन रूप से हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको अब विशेष रूप से मैथ जैसे सेक्शन है उस पर विशेष रूप से आपको फोकस करना होगा। अगर आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आपका मुश्किल हो जाएगा। मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके कंपटीशन में निभाएगा, ठीक है? तो मैथ के यहाँ पे आपने देखा होगा, चाहे 9th-10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे 1-5 का हो, ठीक है, बीपीएससी चाह रहा है कि आपको मैथ का नॉलेज हो, गणित आप अच्छा जानते हो और बेसिक गणित। आपको कोई यहाँ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन या कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बस अंक गणित आपको पता होना चाहिए, अंक गणित का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए। और आप याद कीजिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो अंक गणित के ही सारे टॉपिक को हमने जो महत्वपूर्ण था उसको करवाया था। इसमें मेन रूप से हमने महत्वपूर्ण चैप्टर को लिखा भी था, तो खास करके आप सरलीकरण को अच्छे से पढ़ के जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन आधारित भी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आपका जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड था यहाँ यहाँ से आएगा। फिर प्रतिशतता के क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर पे को आपको फोकस करना है, ठीक है? तो प्रतिशतता, उसके बाद अनुपात समानुपात, जैसे जैसे हमने बोला था जो जो चैप्टर वही सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने छिपके बोला या कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये सब चीज हमने बोला था, और आप देखिएगा वही सब क्वेश्चन है। आयु का भी हमने बताया था, औसत का भी बताया था, ठीक है? तो यहाँ यहाँ से आपके क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बताया था, आपका टाइम एंड वर्क का और टाइम एंड डिस्टेंस का बताया था, ठीक है? फिर हमने आपको प्रोबेबिलिटी में बताया था, प्रायिकता बताया था, ठीक है, प्रायिकता बताया था, और बोला भी था कि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अनुभव किए होंगे कि जो सब टॉपिक हमने पढ़ाया था, ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी वही सब क्वेश्चन वही सब सेक्शन से आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है? अब रही बात कि आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए, ये अलग मैटर था, लेकिन अगर आप चैप्टर ढूंढिएगा और क्वेश्चन देखिएगा और उस पैटर्न को देखिएगा, तो उस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपके क्लासरूम में कराए गए थे, ठीक है? मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं कि लगभग क्वेश्चन के सेम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन कराए गए थे। डाटा आपको पहले भी हमने बोला था कि वो मैच नहीं करेगा, वो सेम टू सेम आपका मैच नहीं करेगा, वेरी करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है? चलिए, तो मैथ सेक्शन पे आप लोग आज से, ठीक है, एकदम, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है, फिर अभी अभी देखिए एग्जाम जो है दिसंबर में मे भी फिर से, क्योंकि इसमें सीट खाली रहने वाला है बहुत ज्यादा संख्या में, और फिर भी नई रिक्तियां भी साथ साथ इसमें इंक्लूड होगी, तो फिर अच्छा खासा संख्या आपको टीचर के एग्जाम में दिखेगा वैकेंट सीट में, ठीक है? तो फिर से निश्चित रूप से आपका एग्जाम होगा, और निश्चित रूप से ही फिर आपको जो बीपीएससी का पैटर्न होगा यही रहने वाला है। तो अब पैटर्न तुरंत तुरंत नहीं बदलता है,
ठीक है, कम से कम 2-3 एग्जाम तो इसी पैटर्न पे होगा ही होगा। तो जो पैटर्न है, ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले आप लोग का टास्क है कि जितने भी एग्जाम हुए टीचर से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग, चाहे आप 9th-10th वाले हों, चाहे आप 12th वाले हों, चाहे आप 1-5 वाले हों, अगर चाहते हैं 1-5 वाले आगे हम 6-8 में बैठे या 9th-10th में बैठे या 9th-10th वाले 12th में बैठना चाहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए और आप अनुभव कीजिएगा कि क्वेश्चन के पैटर्न सबके सेम है, बस अंतर है आपका सिलेबस का, अंतर है केवल कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया, बाद बाकी क्वेश्चन का लेवल आपको मॉडरेट टू इजी दिखेगा। मॉडरेट टू इजी, टफ मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बीपीएससी में मॉडरेट टू इजी पूछे गए हैं। हाँ, 1-5 के केस में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाई लेवल के पूछ दिए गए, लेकिन बाद बाकी अगर आप 9th-10th का देखिएगा या आप 11th-12th का देखिएगा, बिल्कुल आसान या मॉडरेट या कह सकते हैं आसान क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, जैसा क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी जाता है। तो चूंकि आपके जो एग्जाम का होता है, अतुल प्रसाद जी ने भी बोला है कि आपका कंपैरेटिवली होता है, आप किसी के तुलनात्मक आप कितना परफॉर्मेंस देते हैं, जो आपका बगल वाला पड़ोसी जो बैठा हुआ है साथ में उससे आप कितना बेहतर करते हैं, ठीक है। अब देखिए सोशल साइंस कब से होगा, सोशल साइंस कल भी डिस्कशन किए थे, आज भी मैथ होगा तो सोशल साइंस का डिस्कशन क्लास चल रहा है, ठीक है। सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका जो है ये जब हम डिस्कशन कर लेंगे, चूंकि जब तक आपको दुश्मन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप जो है अच्छा से वहां पर जो है दुश्मन को हरा नहीं पाइएगा। तो अभी जो क्लास चल रहा है वो दुश्मन का जो रूप रंग क्या है, ठीक है, जो दुश्मन किस रूप में आने वाला है आपके लिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है दुश्मन है, उसको आपको क्या करना है, फाइट करके हटाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि उसका प्रकार क्या है, वो किस प्रकार से अपने आप को बदल रहा है, तो वो जब तक एनालिसिस, और यही होता है आपका कंपटीशन में, जब तक आप एक रणनीति के तहत एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, हमने बार बार बोला है केवल पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आपको रणनीति अपनानी पड़ती है, कौन सा सेक्शन पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है। मैथ में अगर मान के चलिए हम त्रिकोणमिति पढ़ें तो क्या वो आ जाएगा एग्जाम में, नहीं आएगा ना, नहीं पूछेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ ले, साइन थीटा कॉस थीटा केवल पढ़ा के छोड़ दे तो क्या आप बना लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा दे तो क्या बन जाएगा बीपीएससी में, नहीं बनेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहां से क्वेश्चन आएगा, घबराइए नहीं, अभी स्टार्टिंग क्लास ही हुआ, फिर से सोशल साइंस के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, देखिए आराम से, लगभग तो बहुत सारा वीडियो हमने आपको फ्री में अवेलेबल कर।
देखिए साउंड नहीं जा रहा है क्या? साउंड नहीं जा रहा है आप लोग के पास? बताएंगे कोई व्यक्ति? अब जा रहा है साउंड? जा रहा है प्रॉपर? चलिए, वो आज थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आज मैनेज कर लीजिए, आज थोड़ा इशू चल रहा है। चलिए, तो जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, चूंकि 10+2 का टोटल सॉल्यूशन हमने हिस्ट्री का, जो आपका मैथ का भी है वो भी करवा दिया था, आज हम लोग जो है 9th-10th का देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। 9th-10th के क्वेश्चन को हम लोग, जो सेट ए दिया गया था उसको हम लोग देखेंगे और इसको बनाते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके क्लासरूम में डायरेक्ट आपको पढ़ाए गए थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो थे 9th-10th से जुड़े हुए थे क्लास में स्टेट से, और हम उनको बार बार बोल रहे थे कि आप जो है कंटेंट में पढ़े हुए जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं, ऐसे लास्ट में हमने बहुत सारा टॉपिक कराया भी था, और वो सब वीडियो देखिए, और सारे क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो सारे क्लासरूम के ही हैं जो कि आपको कराए जा चुके थे कंटेंट में, वीडियो में, सब में आपको वो सब टॉपिक किया हुआ था, ठीक है। तो लोग जो इजिली 65+ में है तो हॉप कर सकते हैं, इससे 75+ कन्फर्म है सोशल साइंस में रिजल्ट में, उससे कम वाले का अभी कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम आप देखिए, जब हमने एज आपको कराया था, आप वीडियो लेक्चर आप जो है पढ़ने के बाद जो है आप देख सकते हैं, आप जाइएगा वीडियो लेक्चर में और एज चैप्टर देखिएगा और खोजिएगा क्या ये इस तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम हमने कराया था या नहीं कराया था, ठीक है, आप पाएंगे कि हमने कराया था, ठीक है। तो हमने बोला था जब भी 10 वर्ष पूर्व की बात करें या तो उसमें हम 10 वर्ष पूर्व का ही आयु मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात, तो हम मान लेते हैं कि 10 वर्ष पूर्व जो है रमेश और राजीव का अनुपात कितना है, 1:3 है, रमेश है और दूसरा कौन व्यक्ति है तो राजीव है, ठीक है। तो ये आपका दे दिया है 1:3 दे दिया है, समझिएगा अच्छे से, फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो इसीलिए समझना है आपको। तो हमने बोला था कि 10 वर्ष पहले का है तो उसी को मान लीजिए, तो x अपने मन से हम लगा ही सकते हैं, तो एक x रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं। बोला कि अब से 5 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पहले का हमने रेशियो ले लिया, जो था क्वेश्चन में वही मान लिया, बस हमने अपने मन से x लगा दिया। तो बोला कि 10 वर्ष पहले ये रेशियो था, ठीक है, अब बोला 5 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष पहले और वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष और 5 वर्ष आगे जाने के लिए फ्यूचर में, तो 15 वर्ष जोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाता है, उसका रेशियो कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है, बन गया, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा आंसर। इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है क्लास में, आप जाइए आयु वाला में देखिए, जो लोग किए होंगे उनको पता होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन सर ने करवाया था। 3x = 15 + 45 इक्वल टू क्या हो गया आपका 6x + 15 = 30 हो गया। जब आप इसको कीजिएगा तो इसको उधर ले जाइए, 45 में से 30 गया तो क्या बच जाएगा आपका 15, 6 में से इधर गया 3x तो 3x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, x 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो यहाँ रमेश की आयु कितना हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले 5 का रेशियो था 15 का था, वर्तमान में पूछ रहा है तो 10-10 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, एक हो गया 15, एक हो गया 25, तो 15 और 25 का रेशियो हो गया, तो 5 से रेशियो में क्या होता है न्यूनतम लेते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए 1-5 में क्या किया कि रेशियो में 2-2, जैसे 15-25 है, फिर दे दिया आपका 3 और 5, इस तरीका दोनों को एक से अधिक मार दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए मैथ में खास करके, ठीक है, चूंकि रेशियो जब भी होता है तो हम लोग न्यूनतम मान को ही सही मानते हैं रेशियो, तो यहाँ पर भी होना चाहिए था उस तरीका का, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करा दिए गए स्टूडेंट को। तो इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी को
पूछने से बचना चाहिए मेरे समझ से। ये सब एक तरीका से जिनको आता हुआ क्वेश्चन भी था वो भी कई लोग दुविधा में पड़ गए, अब क्या बीपीएससी मान लेगी सही। ऐसे जो रेशियो होता है वो न्यूनतम होता है, लेकिन बीपीएससी ने दोनों को मान लिया, तो इस स्थिति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आगे से याद रखना है, ध्यान देना है कि अगर देखिए अगर वो नहीं सुधारती है, उस प्रश्न को सही उत्तर नहीं करती है या डिलीट नहीं करती है, इस स्थिति में अगर रेशियो जैसे यहाँ पे दे देता 15:25 और 3:5 और एक से अधिक ऑप्शन होता तो आप उसमें एक से अधिक मार सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि अगला जो आपका एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई का, उसमें हो सकता है कि आपके एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं हटा दिए जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। अब 4 ही ऑप्शन आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, लास्ट तक हमने बोला था कि आपको ऑप्शन नंबर डी और ई भी बीपीएससी आपको देता है, तो इसके बारे में भी सोचना है। ये नहीं है कि ऊपर 3 में ही मिला तो बनाना है। आप देखिएगा लास्ट जाते जाते अंतिम मंत्र जिस दिन मैं दे रहा था, आपको रणनीति बता रहा था, तो उस समय हमने एकदम आपको इम्फेसाइज किया था, इस बात को जोर दिया था कि आप एक से अधिक, कई लोग फिर भी फंसे, यानी बताने के बावजूद भी वो लोग जो है इस 2 ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए और ऊपर में ही 3 ऑप्शन में ढूंढते रह गए, नहीं मिला तो कंफ्यूज होके कुछ भी मार दिए, ठीक है। तो आगे से अगर ऑप्शन ये डी और ई वाला रहेगा, लेकिन 99.5% कह सकते हैं कि अगला एग्जाम में आपको ये नहीं रहेगा, अगला एग्जाम में आपका ये नहीं रहेगा, क्वेश्चन जो होंगे उसी में से आपको 4 में हो सकता है 1, 2, 2, 3 करके ही बना दे, जैसे दे दिया ऑप्शन ए बी सी डी और आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, या ऊपर में दे दिया 1, 2, 3, 4 में ऑप्शन दे दिया ये, फिर ए में दे देगा 1 और 2 दोनों, 2 और 3 दोनों, इस तरीका से एक से अधिक इधर बना दे, लेकिन आपको 4 ऑप्शन ही देगा, 5वां जो ऑप्शन है आपको नहीं देगा, ठीक है। तो बीपीएससी हो सकता है अगला पैटर्न में चेंज कर दे आप लोग को भी, तो वो बाद की बात है। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसको देखिए, क्वेश्चन तो इसी टाइप के फिर पूछे जाएंगे, और यही नहीं बल्कि आपका जो भी एग्जाम होता है बीपीएससी का, लगभग क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको यही सब दिखेगा, ठीक है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको क्लास में करवाए भी गए थे। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी स्टेशन पहुंचने 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, ठीक है। तो 7 मिनट पहले छूट चुका है उसके बाद जो, किंतु यदि मैं, तो यहाँ पे आप चूंकि आप घर से जब निकलिएगा तो स्टेशन और आपके घर के बीच की दूरी, घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी, वो आपका एक फिक्स रहेगा। मान के चलते हैं या तो डी से डिस्टेंस मान लीजिए, डी ही मान लीजिए, या एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए, तो यहाँ पर समय इक्वल टू क्या हो जाता है, समय इक्वल टू हो जाता है आपका दूरी बटे चाल। ये सब क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट जो है, हमने आपको बेसिक विधि भी बताया था कि सोच करके बनाइएगा बन जाएगा, तो समय निकाल लीजिए, ठीक है। तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, और दूरी आपका है डी, और यहाँ पे आपका चाल कितना है, तो चाल आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टेशन के चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, यानी आप 7 मिनट पहले जो है आपका गाड़ी छूट चुका है, ठीक है। तो यहां पे आप 7 मिनट को आप घंटा में बदल सकते हैं, ठीक है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो डी बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, ठीक है। 5 मिनट यानी 5 मिनट 5/60, ठीक है। अब यहां पर जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो डी बटे 5 माइनस 7/60 इक्वल टू डी बटे 6, ठीक है, और आपका क्या हो गया 5/60। अब कहिएगा 5/60 हमने क्यों लिया, तो इसको हमने मिनट को घंटा में बदल दिया, ठीक है। तो इधर जाएगा तो डी बटे 5 माइनस डी बटे 6, और इधर आपका क्या हो जाएगा 5/60 प्लस 7/60 हो जाएगा,
जब आप इसको निकालिएगा तो एलसीएम आप लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 5 छ का 30 माइनस 6 पचे 30, डी सब में होगा, डी कॉमन ही ले लेते हैं, इक्वल टू आपका क्या हो गया 12/60। ठीक है, अगर इससे कीजिएगा तो 30 दूनी 60, 2 छ का 12, 6 और 6 में से 5 गया तो डी इक्वल टू 6, तो यानी डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखिए कि हमने आपको करवाया है कि नहीं करवाया है, टाइम एंड डिस्टेंस में 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है, उसी पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है, जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं किए हैं तो वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, आप जाके देख लीजिए जब हमने टाइम एंड डिस्टेंस करवाया था तो ये क्वेश्चन करवाया था या नहीं करवाया था। तो आप देखिए ये कितने बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमने करवाया था। चलिए तो ये आपका 2 क्वेश्चन करवाया हमने, 3 नंबर पे आते हैं। अब देखिए औसत वाला चैप्टर पलटिए और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कितने सारे करवाए गए थे। पी और क्यू का मासिक औसत कितना है, मासिक आय दे दिया है, तो पी और क्यू का जब मासिक दे दिया गया, औसत दिया गया है, तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं, 2 से गुना कर दीजिएगा पी और क्यू का। फिर क्यू और आर का कितना दे दिया है, मासिक दे दिया है आपका 6250, औसत है तो 2 से गुना कर सकते हैं तो टोटल हो जाएगा। फिर पी और आर का मासिक औसत 5200 दे दिया है, अगर 2 से गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के औसत है, जैसे 2 आदमी को 5-5 दिए तो टोटल आप 10 रुपया दिए ना, तो 52-5200 2 आदमी है तो ये इनका औसत होगा, तो टोटल हमने निकाल दिया एवरेज में देखिए। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका टेम्परेचर वाला भी था क्वेश्चन, तो इसमें जब आपको पूछ क्या रहा है पी का मासिक, तो अगर गौर कीजिए अगर इसमें हम पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस आर कर दें और क्यू आर को घटा दें तो केवल पी बच जाएगा और इजिली आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा 5050 गुने 2 कीजिएगा तो 0, 5 दुनी 10 का 0, बाकी 1 हो गया, फिर 5 दुनी 10, तो ये आपका वैल्यू दे देगा 10100। ठीक है, ये 6250 को 2 से गुना कर लीजिए, 0, 5 दुनी 10 का 0, बाकी 1, 2 दुनी 4, 1, 5, 6 दुनी 12, तो ये आपका 12500 दे देगा। टोटल मैं कर लेता हूं और ये अगर आप कीजिएगा 5200 × 2 कीजिएगा 2 × 4, 5 × 10, 10400। ठीक है, अब निश्चित रूप से आप देखिए जब हम इसको समीकरण 1 और 3 को, मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 और 3 को जोड़ेंगे इसको और इसको, प्लस कीजिए और इसको घटा दिए, कॉमन सेंस का बात था, इस तरह का क्वेश्चन हमने करवाया था आपको टेम्परेचर में भी, जैसे शुक्रवार शनिवार रविवार का इतना तापमान है, आप देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस आर, नहीं सॉरी P प्लस आर कर लीजिए, P प्लस आर माइनस क्यू प्लस आर, यानी आपका पहला तीसरा को जोड़ा और दूसरा घटाया, तो पहला तीसरा को जोड़ दीजिए और दूसरा वाला जो है 12500 वाले को घटा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर कट जा रहा है, आप लोग बनाइए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका क्यू क्यू कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आर आर कट जाएगा, 2p इक्वल टू आ जाएगा, 2p इक्वल टू देखिएगा 2p इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां पे जोड़िए 10100 है प्लस 10400 है। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक विधि से, हम आपको बताते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर उसमें आपका 12500 घट जाएगा तो ये आपका हो गया 8000 हो गया, 2p इक्वल टू 8000 हो गया, तो स्वाभाविक है p का वैल्यू 8000/2 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या दे देगा आपको 4000 दे देगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए, नो डाउट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यह जो औसत चैप्टर है उसमें जाइएगा और आपको ये दिखेगा। ठीक है, अब कहिएगा पी क्यू इस जगह पे दूसरा डाटा दिया गया, लेकिन पैटर्न कॉन्सेप्ट वही था इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन को हमने
करवाया था। कई लोग जो 9th 10th वाले थे, 11th 12th वाले थे, ठीक है, वो लोग मैथ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, जबकि मैंने उनको बोला था कि आप सारा वीडियो देखिए, मैथ साइंस सब देखिए, आप देखिए। बार बार हमने ये बात बोला था कि नहीं बोला था आप लोग को, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसलिए मैं बोलता था क्योंकि 40 नंबर में वो कुछ भी पूछ सकता है, और वही हुआ। आप देखिए कि साइंस के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पूछे गए, 40, हिस्ट्री के भी पूछे गए, बिहार स्पेशल भी पूछे गए, मैथ के भी पूछे गए। तो पहले से एक्सपेक्टेड था वो 40 में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते थे कि आप लोग केवल जैसे जो 9th 10th में हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल वही पढ़ेंगे, पहला पोर्शन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसमें तो साफ सिलेबस में लिखा हुआ था जीके जीएस, तो जीके जीएस मतलब साइंस भी होता है, ठीक है। और मैथ के भी देखिए 9th 10th का ही सवाल बना रहे, सोशल साइंस का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उन्हीं से बना होगा जो 1-5 में भी साथ साथ मैथ का प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद बाकी लोग केवल ये सोच के हम तो सोशल साइंस के, हम मैथ पढ़ के क्या करेंगे, हम जो है साइंस पढ़ के क्या करेंगे, तो वो फंस गए, ठीक है। और वहां पे जो है वो 40 में 10-15 स्कोर करके ही जो है, और उन्हीं का स्कोर घट रहा है। बाद बाकी जो लोग साथ साथ 1-5 भी कर रहे थे, वो लोग सब 65-70 प्लस में है 9th 10th वाले में, क्योंकि उनकी तैयारी मैथ की अच्छी थी और जीके जीएस भी 1-5 के लिए पढ़ा उन्होंने, तो साइंस का भी करेंट अफेयर्स भी पढ़ लिया, क्योंकि 10 क्वेश्चन आप देखिए आगे करेंट अफेयर्स भी दिखाई दे रहा है। तो जो 1-5 का भी साथ साथ तैयारी कर रहे थे, उन लोग का एग्जाम जो केवल 9th 10th का कर रहे थे, उनसे बेहतर गया। उसके पीछे यही रीजन था कि मानसिकता, जो सेट ऑफ माइंड था आपका, वो गड़बड़ हो चुका था, वो आप सही से नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि पी का 30%, क्या बोला पी का किसका, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे कीजिएगा। पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए, क्यू के किस में, क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए, तो वह क्यू का 80% हो जाता है। वह किसका हो जाता है, क्यू का, ठीक है, क्यू का क्या हो जाता है, रुकिए थोड़ा सा मेरा कैमरा का जो सेटअप है वो उधर साइड में कट जा रहा है, मैं कल ठीक कराता हूं इसको। पी का 30%, ठीक है, क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए, तो वह क्यू का 80% हो जाता है, ठीक है। तो क्यू पी का कितना प्रतिशत, यही क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या है कि पी गुने 30/100 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप 40Q/100 भी लिख सकते हैं, ये प्लस है, 40Q/100 कर लेते हैं, और इसको आप 80Q/100 कर लीजिए, उधर घटा दीजिए 30P कर लेते हैं, 30P/100 इक्वल टू 80 में से 40 गया, तो 40Q/100, चूंकि हर दोनों का सेम ही है, 100-100 कट गया। तो अब आपका जो है क्या आ गया, पी, अगर यहां पे जो है क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तो चूंकि क्यू और पी का रेशियो है, तो क्यू पी का, तो क्यू बटे पी, पी को इधर ले गए, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो गया, 30/40 हो गया। तो कितना प्रतिशत है, तो हमने बताया था क्यू बटे पी, तो 3/4 हो गया, तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 3 75, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 75%, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 75% हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन का वैसे कर दिए, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को बनाने में तो पूछ सकते हैं। अब देखिए अभी क्लास ले रहे हैं तो मात्र 6-7 लोग जुड़ते हैं, ठीक है, और कल के डेट में फिर ये लोग जो है कहेंगे कि सर क्लास नहीं बनता है, आप पढ़ाते नहीं, पढ़ाए नहीं, और फिर जो है टीचर पे ही सारा ब्लेम कर देते हैं, जबकि आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को नंबर सिस्टम में भी, ये परसेंटेज में भी करवाए गए थे। और जब ऑनलाइन आते हैं लाइव क्लास तो देखते नहीं है, लाइव क्लास सुनते नहीं है, तो यही सब देख करके बहुत तकलीफ होता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग, ठीक है, सारा ब्लेम टीचर पे लगा सकते हैं, लगा ही देते हैं, आप लोग बोल ही देते हैं।
अब मान के चलिए अभी हमने पढ़ाया और आपने देखा नहीं, फिर बाद में दे दिया तो उसमें भी बोलेंगे कि सर रिकॉर्डेड केवल दिखा दिए, पढ़ाए लाइव नहीं। जब लाइव में पढ़ाता हूं तो उस समय जुड़ेंगे नहीं, और लास्ट का जब एग्जाम का डेट आता है 10 दिन तो परेशान रहते हैं। तो वैसे छात्रों से कृपया मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारा कोर्स ना लें, ठीक है, हम आपके लायक नहीं हैं। वही छात्र जुड़े जो मेहनत करना पसंद करते हैं और लगातार सारा क्लास देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बैच में लगभग अभी स्टार्टिंग में आपका 50 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन 50 में आपका प्रेजेंटेशन मुश्किल से 5 से 6 लोग 10 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका कंपटीशन नहीं होगा और फिर आप जो है वहां पर जो है मात खाइएगा, फिर आपको बीपीएससी घुमा देगा। तैयारी करते रहिए, कोर्स लेते रहिए, ठीक है। चलिए, कई लोग को जो है मैथ देख के दिमाग जो है भारी हो जाता है, तो वैसे लोग जो है अब बीपीएससी में टीचर नहीं बन पाएंगे, ये बात तो एकदम कंफर्म कर दिया है बीपीएससी। उन्हीं का होगा जो मेहनत करना चाह रहे हैं, नहीं भी आ रहा है तो वो मेहनत करके सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है, ठीक है। यदि सी को डी से 1000 अधिक मिलता है तो हमने देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपका अनुपात में करवाया है कि नहीं करवाया है। सी को डी से कितना अधिक मिल रहा है तो 1000, यानी दोनों का रेशियो में कितने का अंतर है। अपने मन से हम एक्स लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, बट्टा में कट जाता है, रेशियो में कॉमन तो हम दे ही सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, तो एक एक्स ये किसके बराबर हो गया, 1000 के बराबर, तो x इक्वल टू 1000 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो b का हिस्सा क्या होगा, b का वैल्यू कितना है, 2x है, तो 2 × 1000, चूंकि x का मान 1000 आया तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अनुपात समानुपात में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो या कॉन्टेंट में मैथ का वीडियो पड़ा होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी है बताएंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। बहुत कम लोग हो गए, क्या बात है। अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, हाँ या ना भी, जो भी लोग हैं हाँ या ना में जवाब दें। क्या यह टाइमिंग आपका सही नहीं है इस कारण से, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज दे सकते हैं, मैं आप पे जो है जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए जब तक आप लोग रेगुलर प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर पढ़ाने में भी मुझे आनंद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन अभी बता ही रहा हूं, फिर बाद में आप लोग को भी, जो लोग अभी छूट जाएंगे उनको भी फिर बताना पड़ेगा। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिक्री मूल्य पे 5% छूट देता है, यदि वह उस पर 6% छूट देता तो पहले से 15% कम लाभ मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है 5% देता है फिर वह 6% देता है, दोनों का डिफरेंस 1% है, वही किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 1% = 15, तो 100% = क्या हो जाएगा, 1500। कितना आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको जो है प्रॉफिट लॉस में करवाया हुआ है क्लास में, आप देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर देखिए उसमें आपको दिख जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 में हैं, ठीक है, और यदि उनमें तो ये जो 3:4:5 है तो सबसे छोटी 3 हो गई, सबसे छोटी हो गई ना,
और सबसे बड़ी क्या हो गई, पांच हो गई सबसे बड़ी। अब देखिए उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो x हम अपने मन से लगा सकते हैं। तो सबसे छोटी 3x प्लस 5x का योग जो दूसरी संख्या है और प्लस 52 के योग के बराबर है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो निकाल लीजिए 8x इक्वल टू 4x प्लस 52, 4x इक्वल टू 52, तो x इक्वल टू 52/4 करेंगे तो 13 हो गया। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 3x, तो ये क्या हो गया 13 × 3 यानी 39। तो ऑप्शन नंबर बी सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका रेशियो में कई बार आया था और इसको हमने सॉल्व करवाया था आपको। इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए कुछ नहीं कह रहा था, तीन संख्या 3:4, 4:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, दूसरी संख्या का योग जो 52 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या बीच वाला जो है प्लस 52, ये जैसे क्वेश्चन का वैसे हमने उसको लिख दिया और सॉल्व कर दिया। रिजल्ट आपके सामने में है, आप देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाला बीपीएससी निकले, तो निश्चित रूप से जो भी टॉपिक हमने आपको करवाया है उसको अच्छे से देखिए समझिए, निश्चित रूप से आपका सारा क्वेश्चन। फिर देखिए ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार पूछा है। तो देखिए ये भी आप देखिए घातांक करनी में हमने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो बेस को दोनों को सेम लाने का प्रयास कीजिए। 2 पे पावर क्या कर सकते हैं, हम 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, पहले से आपका एन माइनस 3 है, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस के टर्म में चढ़ जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। आप देखिए सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा। तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 3n माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 3 × 3 = 9 हो गया, बेस सेम है, पावर आपस में बराबर हो जाएगा, 2n − 1 = −3n + 9 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर करते हैं और इसको उधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 2n + 3n = −9 + 1 = 10, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, तो n बराबर 2। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, अब फिर भी जो है कई लोग क्वेश्चन सर नहीं बना, मैथ का नहीं बना, कैसे नहीं बना, देखिए घातांक करनी, आप लोग इसका मतलब है अच्छे से पढ़ते नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है इस तरह का, जो कि आपके मैथ में हमने कराया था। घातांक करनी चैप्टर निकालिए और उसमें देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हमने, देखिए कई लोग को मॉर्निंग शिफ्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोग को इवनिंग शिफ्ट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग आदत डालिए कि नहीं हो तो दोपहर में रखते हैं ना मॉर्निंग ना शाम, 4 से 6 पढ़ा लेते हैं, 4 से 6 कर देते हैं, 4:30 से 6 इवनिंग का टाइम में, तो सब लोग अवेलेबल ही रहिएगा, जैसा कहिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो तो कंटेंट में पड़ा ही रहता है आपका, कभी भी किसी टाइम पे भी देख सकते हैं। चलिए मैथ का बस क्वेश्चन हो गया, तो टोटल 8 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, टोटल 8 क्वेश्चन आपके मैथ के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहां तक की दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में पहले भी पूछा गया था, 68 का क्वेश्चन है ये, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो सब वही सब है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है अद्भुत। हाँ तो आप लोग जो है साइंस नहीं पढ़ रहे थे, मैंने बार बार बोला फलों को जब एथिल, ये सब तो आपको लास्ट में भी जो है ये सब चर्चा हुआ था, एथिलीन गैस, निम्नलिखित में से किसको ऑक्टेन संख्या शून्य होता है, तो इसमें हेप्टेन होना चाहिए था, एन हेप्टेन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्वेश्चन साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नो डाउट, ठीक है। लीची का एरिल खाया जाता है, ये आपका बायोलॉजी का जो है सेट हम लोग किए थे उसमें था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैथ का आज क्लास है तो मैथ पे ही रहते हैं, तो फिर अब हम लोग जो गर्ल्स लोग का जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने जो है आपका 9th 10th का भी मैथ देख ही लिया था, 10+2 का भी देख ही लिया था,
और जो गर्ल्स कैंडिडेट का है वो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि जो क्वेश्चन था वो किस लेवल के गर्ल्स कैंडिडेट के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, बहुत कम प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मात्र बहुत कम लोग हैं, अभी 3 लोग ही अभी ऑनलाइन हैं। लग रहा है कि आप लोग को कोई टाइम का प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं कि कल मॉर्निंग में ही आपका जो है इस सेक्शन को लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी आजकल जो है मेला का दिन है, लोग कृष्ण जन्माष्टमी का मेला वाला घूमने निकल जाते हैं, हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम लोग के तरफ तो पूरा मतलब ये सब में अभी लोग व्यस्त हैं। बाकी देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, घातांक करनी के क्वेश्चन है, बेस सेम हो, पावर इक्वल कीजिए। देखिए, हमने कई बार बताया बेस सेम करके पावर इक्वल करना था, बस यहाँ पर भी आपको घातांक करनी का सेम टू सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे हमने करवाया था आपको। उसके बाद देखिए कितने आसान क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके रेशियो में हमने करवाया था। लड़की लोग का तो क्वेश्चन इतना आसान है कि लोग 80 नंबर तक जा सकता था। ठीक है, मैथ का तो बिल्कुल आसान है, मैथ के में तो कोई जान ही नहीं है, कोई जान नहीं है, जितने क्वेश्चन है सब बनने वाले हैं। पुरुष वर्ग में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था अभी, लेकिन महिला लोग का अभी कल हम क्लास लेंगे इसका। ठीक है, तो लड़कियों का तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि पैटर्न जो क्वेश्चन सेट हो गया गलती से हो चाहे जानबूझ के किया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, बनने वाला था, इसमें नो डाउट। लड़की लोग का जो है 70 इजिली लाया जा सकता था नंबर। ठीक है, 70 नंबर तक जा सकता था। मैथ ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब कराए गए हैं क्वेश्चन क्लासरूम में। उसके बाद देखिए, सब क्वेश्चन तो ये सब तो सेम क्वेश्चन है, वही सब है क्वेश्चन में। कल सुबह करते हैं, बहुत कम लोग अभी प्रेजेंट है, कल सुबह में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। लेकिन रेगुलर क्लास कीजिए, जो भी लोग हैं आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। अब मॉर्निंग में ही अब कल जो है पूरा मैथ आपका, लड़की लोग का पूरा सेट का ही डिस्कशन कल कर लेंगे, सोशल साइंस के भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ठीक है, आज रहने देते हैं अभी, चलिए।